बता दें कि बारिश के दिनों में शहर के हृदय स्थल और आवागमन के मामले में अति व्यस्त रहने वाले हनुमान चौक पर जलभराव अब आम बात हो गई है, जिसके चलते ग्राहक इन दुकानों तक नहीं पहुंच पाते थे। व्यापारियों ने नगर पालिका प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक कई बार अपनी परेशानी रखी, किंतु इस समस्या का कोई हल आज तक नहीं निकल पाया। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से ये स्थिति हर साल बनती है। इस बार व्यापारियों ने अपना आक्रोश और विरोध प्रदर्शित करने का अनोखा तरीका इजाद कर लिया। एक लकड़ी की नाव को सजा कर रखा गया, जो ग्राहकों को लेकर दुकान तक आती है और वापस पहुंचाती है। यहां बकायदा एक फ्लैक्स लगाया गया, जिस पर लिखा है कि ग्राहकों की सुविधा हेतु नाव की व्यवस्था की गई। भैया बताएं, आज नाव चलाई जा रही है यहाँ पर, किस प्रकार विरोध कर रहे हैं पानी भरने का? पानी भरने का विरोध तो हम पिछले बहुत सालों से करते आ रहे हैं और इस साल भी हमने किया। तो नगर पालिका प्रशासन से हमारी बात हुई, उन्होंने नाली सफाई करवाई जरूर, लेकिन दिक्कत फिर भी वही की वही बनी हुई है। आज 35 साल हो गए इस गड्ढे को भरते भरते। आज आपने अभी नाव में देखा होगा, हमारे कस्टमर भी नाव से स्पेशल, हमने पब्लिक को दुकान तक लाने के लिए एक स्पेशल व्यवस्था हमने की है। तो शासन को सिर्फ हम यही बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो दिक्कतें हैं, हम जो दिक्कत का यहाँ सामना हनुमान चौक वाले कर रहे हैं, कम से कम उसकी पूर्ति, जल निकासी कैसे की जाए, ये व्यवस्था उन्हें बनानी चाहिए। तो हम बस यही चाह रहे हैं शासन से, नगर पालिका से, कि वो जितने जल्दी हो सके यहाँ पे एक व्यवस्था जो अति उत्तम होना चाहिए, अरे बरसात के समय स्पेशल तौर पे एक स्थायी व्यवस्था नाली निकासी की, वो हम स्पेशल चाह रहे हैं। तो आज हमने उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए यहाँ पर हमने नाव की व्यवस्था रखी, जिससे हमारे ग्राहक हमारी दुकान तक पहुँच रहे हैं। अच्छा भैया, क्या वजह है हर साल पानी भर जाता है? जनप्रतिनिधि भी बोलते हैं नाले की साफ सफाई करा के आने वाले साल में नहीं भरेगा, लेकिन फिर भी हर साल भर जाता है, इसकी वजह क्या समझ में आती है? अब नगर पालिका कहूँ या जनप्रतिनिधि कहूँ, शासन कहूँ, सबकी अपनी व्यवस्थाएं हम सब देख रहे हैं और वो अपनी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन वो जब आते हैं वो गर्मी का एक समय होता है। लेकिन एक्चुअल जैसे आज हम पानी में यहाँ खड़े हैं, बहुत अच्छा पानी गिरा आपने, इस समय अगर आकर शासन देखेगा जो वर्तमान स्थिति यहाँ पे अभी दिख रही है, जिसमें हम नाव चला रहे हैं, तो उन्हें उस समय एहसास होगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या है। और कंडीशन नहीं देखने के कारण ये उन्हें लगता है कि हम लोग कुछ बोल रहे हो कुछ रहा है। तो अगर एक्चुअल आके वो देख लेंगे तो हमें लगता है समस्या ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। हमारे जनप्रतिनिधि नगर पालिका इस समय बहुत अच्छा काम करी, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन व्यवस्था उन्हें बिल्कुल जो विकराल रूप जो धारण कर चुकी है, उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ का पानी जब डाइवर्ट होता है, आप महावीर कॉलोनी अभी आप आगे बढ़ते हैं, तो आप नीचे के जितनी बस्ती हैं हमारी वार्ड नंबर 6 से इधर दीनदयालपुरम में, सब तरफ पानी जाके चौक हो रहा है। तो इस मामले में हम यही चाह रहे थे शासन से कि शासन मौजूदा स्थिति को देखते हुए तत्काल इसमें अपना काम करना प्रारंभ करें।